पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर रोज नई खबरें सामने आ जाती हैं। भिखारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के आर्थिक संकट को दूर नहीं कर पा रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है और वो है दूसरे देशों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाना। एक तरफ पाकिस्तान की गरीबी लगातार बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार लगातार महंगाई में इजाफा कर रही है। पाकिस्तान में आम आदमी के जरूरतों के सामान पर इतनी महंगाई है कि आम लोग खरीद नहीं सकते। इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने नई परेशानियां खड़ी कर दी है। धीरे धीरे सभी देश पाकिस्तान से मुंह मोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के आंतरिक बिगड़ते हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने भी अपनी सेवाएं रद्द कर दी है। ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने घोषणा की है कि वह लंदन के हीथ्रो से लाहौर और इस्लामाबाद के बीच सेवाओं को बंद कर देगी। एयरलाइन के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने पूरे नेटवर्क की समीक्षा करने का समय लिया है और कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि वर्जिन अटलांटिक 1 मई तक लंदन और लाहौर के बीच और 9 जुलाई तक लंदन और इस्लामाबाद के बीच सेवाएं संचालित करना जारी रखेगी और इन तारीखों के बाद सेवाएं रद्द हो जाएंगी। एयरलाइन ने अपनी सर्विस को रद्द करने के लिए ट्रैवलर्स से माफी भी मांगी और कहा कि जुलाई के बाद की जाने वाली बुकिंग से जो भी यात्री प्रभावित होने वाले हैं उनसे संवाद किया जाएगा और उनका बुकिंग अमाउंट वापस कर दिया जाएगा।